हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं के व्याकरण का विषय टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आलेख। आलेख एक तरह का लेख भी होता है, जैसे कि आप निबंध लिखते हैं, छोटे छोटे लेख लिखते हैं, उसी प्रकार से हम आलेख को समझ सकते हैं कि वो उसका ही एक रूप होता है। लेकिन निबंध और लेख से आलेख थोड़ा अलग होता है। जैसे आप लेख लिखते हैं तो उसमें किसी एक ही विषय के बारे में लिखा जाता है, लेकिन जब लेख के अंदर आ जुड़ जाता है, आ उपसर्ग जुड़ जाने से उसका मतलब होता था संपूर्ण, मतलब सर्वांगीण। वो उस विषय उस मुद्दे के ऊपर सब कुछ पूरी जानकारी, मतलब सर्वांगीण रूप, उसका एक पूरा रूप आपके सामने लाकर रखना, वो हो जाता है आलेख। सबसे बड़ी विशेषता ये आलेख छोटे रूप में होता है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे रूप में आलेख होते हैं और उनके अंदर ही आपको उस विषय की सारी बातों को जोड़ के पूरा लिखना होता है उसमें आलेख के अंदर। और आलेख को लिखने से पहले उसके कुछ गुण हैं जो हम बात करेंगे कि आलेख को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसका पहला गुण होता है नवीनता और ताजगी। मतलब आलेख जो भी आप लिखोगे उसमें बिल्कुल नयापन होना चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खुशबू आ जाए उसमें से, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा पहले नहीं लिखा है या वो पुरानी ही चीज़ों को वापस से हम दोबारा दोहरा कर लिखें। नयापन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। दूसरा है जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। मतलब आलेख को पढ़ते पढ़ते, शुरू की लाइन पढ़ते से ही आदमी को, जो व्यक्ति उसको पढ़ रहा है उस व्यक्ति को, उसको आगे पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि अरे यार आगे और पढ़े इसमें क्या लिखा है। तीसरा है विचार स्पष्ट एवं व्यवहार। उसमें जो भी विचार लिखे जाए बिल्कुल स्पष्ट लिखे होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिसके दो मीनिंग निकलते हो, या आप उस विषय पर किसी व्यक्ति को का बचाव कर रहे हैं या उसकी सुरक्षा के रूप में आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी उस विषय पर लिखें बिल्कुल स्पष्ट, किसी के दबाव में नहीं, स्पष्ट अपने विचारों को लिखना है आपको। चौथा है भाषा सरल सुगम व प्रभावी। इसमें जो भाषा का प्रयोग होगा वो बहुत ही सरल सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। मतलब सरल आसानी से सबको समझ में आ जाए, आसानी से लिखी जा सके, और प्रभावी मतलब सरल होने के बाद भी उस भाषा का सामने वाले श्रोता पर प्रभाव पड़ना चाहिए। पांचवा है बात को दोहराना नहीं है। एक ही बात को, एक ही लाइन को आपको उस आलेख में बार बार रिपीट या दोहराना नहीं है, बार बार उसी को नहीं लिखना है। छठा है शैली विवेचन या विश्लेषण की होनी चाहिए। आलेख लिखने की जो शैली होती है, आलेख की शैली आपकी किसी बात को बताने वाली होनी चाहिए, समझाने वाली होनी चाहिए। मतलब आप उस बात का विश्लेषण कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो, और अपने विचार, सबसे बड़ी बात अपने विचार उसमें डालने होते हैं। और अंतिम है ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, चरित्रों। आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी जो समाज में समस्याएं हैं, जो अभी समाज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर और बड़े बड़े मुख्य चरित्रों के ऊपर लिखा जाता है, और महान व्यक्तियों के ऊपर आलेख लिखा जाता है, ज्वलंत के मुद्दों पर लिखा जाता है। ये सारी हमने चीज़ें देख ली, आलेख कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या खासियत होती है। लेकिन मतलब मैम एक बार आलेख लिखे कैसे ये तो पता चले, तो हम एक उदाहरण के साथ चलते हैं कि हम देखते हैं, अगर हम उदाहरण लेते हैं उसमें आलेख कैसे लिखना है, मैं आपको बताती हूँ। हमारा उदाहरण है विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया। विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, इस विषय का आलेख लिखना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे इसकी, कि आज विज्ञापनों का बोलबाला है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामान को इन विज्ञापनों के चमकीले आवरण में छुपाकर सामने बेच रही है ग्राहकों को। हम विज्ञापन को जहाँ भी देखें, जहाँ भी हमारी नज़रें जाते हैं, हमें विज्ञापन ही नज़र आता है। जैसे हम टीवी, रेडियो, सिनेमा घर, सड़क, मोहल्ले, गली की दीवारें, सड़कों की दीवारें, चारों ओर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ देखें हमें विज्ञापन नज़र आते हैं। और तो ये विज्ञापनों का बोल इतना बड़ा हो चुका है कि बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े कलाकार लोग भी अपने घर की जो घरों में सामान इस्तेमाल होता है, छोटा छोटा सामान, उन सब सामानों को आकर्षक रूप में बना बना के वो कलाकार भी उसमें सहयोग कर रहे हैं उन विज्ञापनों को दिखाने में, और चमकीले आवरण में बनाकर सामने सजा रहे हैं। और साथ ही हम उदाहरण डाल सकते हैं इसके अंदर कुछ, जैसे विज्ञापन किन चीज़ों के होते हैं कि आपकी सुंदरता वाली क्रीम हो सकती है, घर में इस्तेमाल होने वाले सर्फ और साबुन हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के विज्ञापन आ रहे हैं। लेकिन ग्राहक इन सबको देख देख के इतना ज़्यादा भ्रामक हो जाता है कि इनमें से क्या ले और क्या नहीं ले, और अंत में जब ग्राहक इनमें से कुछ चीज़ों को खरीद कर अपने घर लाता है तो कितनी बार उसे निराशा का सामना करना पड़ता है।
इस तरह की भाषा और इस तरह के लहजे के साथ आपको एक आलेख को लिखना होता है। आशा है आलेख वाले सारे मुद्दे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे आप और भी ऐसे विषयों को लेकर अपना उसका अभ्यास कर सकते हैं। जो इसके गुण लिखे हैं उनका आप बोर्ड पर से स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।